तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों को इस वीडियो में धार के फार्मा किस तरीके से बनाया जाता है आप लोगों को हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को आप लोग देख के अगर जो आप चाहते हो फार्मा बनाने का धार का, तो आप लोग घर बैठे बना सकते हो। ठीक है, किसी के दूसरे के मतलब कारीगर के आप लोग से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखोगे तो इस फार्मा को बनाने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले आप लोगों को सीट लेनी है। अब सीट को देख लीजिए साइज, या सीट देख लीजिए। ठीक है, ये 8 इंच से थोड़ी सी कम है, 3-4 सूता कम है। ठीक है, इधर से देखिए, ये मतलब 4.5 ये आ गया, 4.5 से थोड़ी सी बड़ा है। ठीक है, तो ये आप चाहे तो 5 इंच का भी ले सकते हो, इधर चाहे तो 8 इंच का भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये रहा बेजल्स इतने इधर का, तो आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से नाप के पहले इसको तैयार कर दिया है, इसलिए अगर नापे हैं, इसलिए ये मेरा जो भाग है पोर्शन जो है पूरा निकल जाएगा यार। ठीक है, देखिए हमको कटिंग कैसे करना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक बार मार्क भी आप लोग को दिखा देते हैं हम। जैसे इतना फार्मा लिया हो तो 2 इंच इधर से छोड़े हैं। ठीक है, और देखिए 2 इंच जितना इधर से छोड़े हैं उतना इधर से भी छोड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये देखिए इतना इधर से छोड़े हुए हैं और इधर से मतलब यहाँ से 2 इंच, बिल्कुल 2 इंच ही है और इधर से 2 इंच से थोड़ा कम है। ठीक है, जैसे मान लो दो सूता कम है, तीन सूता तक। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 इंच, 1 फुट जैसे होता है 12 इंच, तो 2 इंच कम कर दिया हमने 10 इंच, उस टाइप के इसमें इधर लिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब 2 इंच से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये फार्मा हो गया आप लोगों का सीट, और इस सीट पर हम लोगों को अभी बनाने का भी और तरीका है। ठीक है, जैसे ये हमको यहाँ से कटिंग करके कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और काम है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं हम। देखिए धार की चौड़ाई जो होती है, जो धार की चौड़ाई, उस चौड़ाई को आप लोगों को देखना होता है कितना लोग चौड़ाई, जो यहाँ पर धार का आपका चौड़ाई बनेगा यहाँ पर। ये तो फार्मा आपको इस तरीके से धक के आप खींचेंगे, लेकिन आपका धार जो बनेगा इस साइड से धार बनेगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए चौड़ाई को आप लोग यहाँ से नापिएगा कि कितना इंच का आपका चौड़ाई रखना है धार का। तो धार का चौड़ाई देखिए, ये आ गया धार का चौड़ाई कोई 2 इंच, यहाँ आ गया 2 इंच धार का चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ आ गया 1.5 इंच। ठीक है, तो कितना लोग चौड़ाई धार का इतना रखते हैं, 1.5 इंच तक रखता है, और कितना भाई लोग 2 इंच का रखता है। ठीक है, तो हम 1.5 इंच का भी नहीं बनाएंगे, 2 इंच का भी नहीं बनाएंगे, हम दोनों को सेंटर कर देते हैं। ठीक है, जैसे 50% या 50% हो गया। ठीक है, इसमें से हम 25% कर देते हैं, दोनों का बीच कर देते हैं भी। ठीक है, तो दोनों का बीच कर देंगे, हमको इतना बनाना है। ठीक है, ये धार की चौड़ाई हमको यहाँ से रखना है। अब इधर से हम नाप लेंगे, यहाँ से हो गया 1 इंची कम। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंची कम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से इसको दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे कुछ इस टाइप के। ठीक है, ये मर्ज कर दिया हमने, हमको थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है यार, क्या पता यार, हमको दिखने में दिक्कत हो रहा है कि ज़्यादा लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, इधर रखता है तो थोड़ी बहुत चलता है। अब देखिए हमको कुछ इस तरीके से मतलब जितना हमको चाहिए चौड़ाई धार की, तो ये धार की चौड़ाई इतना मेरा बचता है, 2.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा, 2 इंच से थोड़ी कम। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमको निकालना है कोई 0.5 इंच तक। ठीक है, यहाँ से 0.5 इंच निकालना है हमको, ज़्यादा नहीं निकालना है, 0.5 इंच निकालना है। ठीक है, इतना। ठीक है, 0.5 इंच निकाल के इसको हम लोग को रिमूव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस धार पर से हम लोग को 0.5 इंच निकाल के हम लोग कुछ इस टाइप के कर देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, तो धार हम लोग का बनेगा कुछ इस तरीके के। देखिए धार बनेगा यहाँ से, ऐसा कटिंग होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इस तरीके से मतलब इसको कटिंग करेंगे धार को। ठीक है, तो अब आप लोगों को कितना भाई का इसका सवाल होगा, तो इसका सवाल कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग अगर इसका सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा भले टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा आप लोगों को बता ही देते हैं। ठीक है, ये है 0.5 इंच। ठीक है, ये 0.5 इंच है, 10, 11, 12,
ये हो गया 12 mm, ठीक है, ये हो गया 12 mm, इसका साइज हो गया 12 mm, ठीक है। और इसका हम नाप लेते हैं आप लोगों को, 40 mm, एक ये 50 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 40-45 mm हो गया, ठीक है, ये 45 mm का हो गया, 4, 5 mm, ये आ गया 45 mm, ठीक है। और अब आते हैं इस साइड का, ठीक है, तो इस साइड का आप लोग देख सकते हैं, ये आपका हो गया 140 mm, ये आ गया 140 mm, ठीक है। और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, चाहे तो आपका सीट इतना पे भी हो तभी चल जाएगा, सीट आपका यहाँ पे इतना भी बच जाता है, यहाँ पे इतना छोटा भी बच जाता है बजल, तभी आपका चल जाएगा। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको फार्मा को है मतलब मार्किंग करना है, 40 mm, 45 mm, 140 mm, 45 mm और 12 mm के कुछ इस तरह से मोल्ड करके, और फिर जितना आप चाहे तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से भी काट सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से काट सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है कि आप लोगों को मैं जैसे बनाया हूँ वैसे ही बनाना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है इसका और इसका ज़्यादा करके, ये भी उतना मतलब माने नहीं रखता, कोई भाई तो सीधा इसे काट के ऐसे कर देता है और फिर धार 2 इंच पे दो इंच के यहाँ पे काट के और अलग कर देता है, ठीक है। हम ये इसलिए किए हैं कि ऊपर का जो धार बनता है ना, जो धार बनता है ऊपर से जो सुलाफ होती है उसको हम इससे कटिंग हो जाएगा, फिर आप लोगों को बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम काटते हैं और काट के आप लोग को दिखाते हैं। तो देख लीजिए हमने फार्मा जो कटिंग कर दिए हैं, इसमें थोड़ा सा रेक माल लगाना बाकी है अभी, यहाँ से देखिए मैं जैसे आप लोगों को बताया था उसी टाइप से मैंने कटिंग किया है, और कटिंग करते समय यह पत्ती जो है टूट गया, ब्लेड जो होती है। अब चलिए इसको हम रेक माल लगाएंगे, ये जो धार जो है रेक माल लगा के थोड़ा सीधी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे मतलब इधर से यहाँ तो ठीक गया है, लेकिन यहाँ से जो थोड़ा आगे कटिंग हो गया है, ठीक है, यहाँ से इधर और नीचे की तरफ यहाँ इधर, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा तब देख लीजिए, है थोड़ा सा उधर से टेढ़ा, ठीक है, बाकी इधर ठीक है, इधर बीच में थोड़ा सा निकला हुआ है, लेकिन इसको रेक माल लगाएंगे फिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने धार वाला फार्मा जो है बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, और ये देख लीजिए जैसे हमने आप लोगों को बताया था, मार्क बताया था, हम उसी तरीके से इसको बनाए हैं, ठीक है। ये आपका 1.5 इंच से ज़्यादा आ जाएगा धार, और इधर से 140 mm, इधर से 45 mm और इधर से 12 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाप के धार बनाइए, फार्मा बनाइए इसका बड़ी आसानी के साथ, और देख लीजिए बिल्कुल हमने सीधा कर दिया इधर से, ठीक है, और ये भी सीधा कर दीजिए, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल आप लोगों को सीधा रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा, ये थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़े तो चल जाता है, लेकिन इसको बिल्कुल आप लोगों को सीधा रखना पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।